बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठी टिक्कियां बनाएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। मैदा 3 कप, पिसी हुई चीनी 2 कप, सूजी 1 कप, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, अलसी का पाउडर 1 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून, खसखस 3 टेबलस्पून, मेल्ट किया हुआ घी 4 टेबलस्पून, दूध ज़रूरत के मुताबिक। डो तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैदा ऐड करें। मैदे के साथ सूजी ऐड कर दें, चीनी ऐड करें, खसखस, अलसी का पाउडर, इलायची पाउडर, सफ़ेद तिल, डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मेल्ट किया हुआ घी ऐड करें, चम्मच की मदद से मिक्स करें। जब घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो तैयार करेंगे। अब हाथों की मदद से सहर डो तैयार करें। ये देखें व्यूअर, हार्ड डो तैयार हो चुकी है। आप चेक करें, इसे इतना हार्ड रखना है। अब इसे हम बेलते हैं। सेंटर से कट करें। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें। अब इसे बेल लें। ये देखें व्यूअर्स, रोटी की तरह बेल लें। इसको बस सफ़ेद तेल ऐड करें। ऊपर से थोड़ा सा रोल कर दें। अब सांचे की मदद से काट लें।
आप इस अपनी पसंद का भी शेप दे सकते हैं। इन सबको शेप देकर एक्स्ट्रा डो उठा लें और इनकी दोबारा टिक्किया बना लें। अब एक कढ़ाई में घी ऐड करें, घी डालकर मेल्ट करें। जब घी मेल्ट हो जाए तो टिक्किया ऐड करें। जब टिक्किया डालें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें ताकि अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए। जब टिक्कियां घी में ऐड करें तो चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसकी साइड चेंज कर दें। दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें, दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। घी अच्छी तरह निचोड़ कर प्लेट में निकाल लें, प्लेट में निकाल लें। इसी तरह हम सारी टिक्कियां फ्राई करेंगे। मीठी टिक्किया हमने डिश आउट कर ली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।